हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। और अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सभी कोई रेडी हैं? यहाँ गुल्लू रानी क्या पहन रही है? गुल्लू सैंडल पहन रही है। मम्मी भी रेडी है, आप देख सकते हैं आज महानवमी है। तो मम्मी कुछ बोलना चाहिएगा, कल का दिन कैसा रहा? कल का दिन तो बेकार हो गया, ट्रेजेडी हो गया। कार हो गई थी बीच में खराब, लेकिन फिर उसका सॉल्यूशन निकल गया। लेकिन हम लोग आधे घंटे थोड़ा परेशान रहे, लेकिन आज कार से फिर जा रहे हैं, कार ठीक हो गई है। और कल घूमने में मजा आया काफी, और डोसा भी हम लोगों ने खाया पेट भर के। तो इसका सैंडल का हमेशा इश्यूज रहता है, आप देख सकते हैं, पता नहीं क्या है इसका सैंडल में, खुल गया। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और आपको हर पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं, आप मेरा गेटअप देख सकते हैं। मैंने ये वाला नेक पीस पहना है, हेयर स्टाइल ये है। तो अष्टमी का ब्लॉग मैंने शेयर किया था, नौवीं वाला भी ब्लॉग आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे नेटी सुनियास ब्लॉग, और चलिए हमारे साथ घूमने के लिए सैर करते हैं हम लोग कटिहार के दुर्गा पूजा का। इस बार काफी सिंपल कर रहे हैं, चलिए हम लोग साथ। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and found love really. Then nothing got it feel like a sweet night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry. पापा हमेशा की तरह यहाँ पे ड्राइविंग का सीट संभाले हुए और हम लोग को घुमाते हुए, क्या मम्मी? और फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच गए अभी गुल्लू? मिर्चाबाड़ी का सार्वजनिक दुर्गा मंदिर। चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। यहाँ पे छोटा मेला लगता है, मतलब गांव साइड के लोग यहाँ ज्यादा आते हैं, और छोटा मेला आप बोल सकते हैं। कटिहार में वैसे दो जगह मेन मेला लगता है, एक बड़ी दुर्गा स्थान और एक यहाँ पर। तो चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मेला, ये है मिर्चाबाड़ी जो कि कटिहार में है। और ये यहाँ पे जो है मेला लगता नहीं, हम लोग हर साल आते हैं। और यहाँ पे थोड़ा विलेज साइड के लोग जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जलेबी हो गया, खाजा हो गया, टिकड़ी हो गया, इसको बालू शाही बोलते हैं, वो सब यहाँ मिलता है। यहाँ पर आपको विलेजर्स वाला जो मेला होता है ना, वो आपको यहाँ पे उसकी झलक देखने को मिलेगी। मतलब देसी मेला जिसको कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने प्रसादी खाया, प्रसादी में हलवा दिया गया था, जो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको सब चीज़ समझ में आएगा। और कटिहार के दुर्गा पूजा को, मतलब कटिहार को मिनी कोलकाता कहा जाता है, मतलब दुर्गा पूजा को लेकर के
के मैटर पे। तो इस बार बहुत सिंपल था, लेकिन ये नौमी में हम लोगों ने जहाँ जहाँ घूमा ना, वो अष्टमी वाले वीडियो से, मतलब उसमें आपने जो पंडाल देखा होगा उससे ये वाला जो पंडाल है इस ब्लॉग का, ये अच्छा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने सारे खिलौने यहाँ पे जो है वो बिक रहे हैं, और ये सब खिलौने मतलब ये देख सकते मिट्टी के बर्तन है, वो चक्की नहीं होता जिसमें हम लोग आटा वाटा पीसते हैं वैसा वाला खिलौना, बहुत ही क्यूट क्यूट था। ये सब कहाँ टाउन में देखने को मिलता है, तो इस मेला में हम लोग को ये सब देखने को मिला। हमने इनको बोला कि भाई बबल्स उड़ाइए, तो ये तो शर्मा के भाग गए। तो उसके बाद हमने इन भाई साहब को पकड़ा और हमने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट आई तो मान ही गए थे बबल्स उड़ाने के लिए। क्या करने आई है? मेला में अगर पानी पूरी ना खाए ऐसा हो सकता है। तो मेला में हम लोग आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे झूला बच्चों का, अब हम लोग का उम्र नहीं रहा घूमने का। झूली है तुम वैसे? उम्र की नहीं, उम्र अभी भी है। झूला टूट जाएगा फिर? ऐसा नहीं है, मम्मी टूट जाएगा। एक आदमी बैठ पाएगा? जंपिंग वाला भी खोले नहीं, जंपिंग वाला हम लोग उस समय में नहीं था ना। और यहाँ पे देख सकते हैं छोला का पानी, छोला। तो पानी पूरी का लुत्फ उठाने के बाद हम लोगों ने आइसक्रीम का मजा लिया। मुझे भेलमुड़ी खाना था, लेकिन मिस्टर जी को आइसक्रीम खाना था, इसलिए हमने आइसक्रीम लिया। उसके बाद हम लोग पहुंच गए साहेब पाड़ा लंगड़ा बगान, जो कि कटिहार में ही है। और यहाँ पे मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही एक रिलेशन है जिसको मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं बहुत साल आई हूँ और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बनाया था, और यहाँ का न्यूज़ चैनल पर भी दिखा रहा था कि कटिहार का बेस्ट पंडाल यहाँ पर बना है, जो कि सेकंड वाले में है। मतलब सेकंड वाले मतलब ये पहला पंडाल है इसी जगह पर, दूसरे वाले पंडाल में मैं दिखाऊंगी इस व्लॉग में, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा।
और अब मैं आपको ले चलती हूँ उसी पंडाल में जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जो कि कटिहार का इस बार का सबसे मतलब सबसे बेहतरीन बहुत ही अच्छा वाला पंडाल बनाया गया है। तो ये पंडाल जो है बहुत सुंदर है, आप लोग भी देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को ये वाला पंडाल जो है वो कैसा लगा, और आपको अष्टमी वाली व्लॉग ज़्यादा अच्छी लगी कि नौमी वाली व्लॉग अच्छी लगी। दसवीं को हम लोग यहाँ घूमने तो नहीं जाते हैं वैसे, मैं देखूंगी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, मतलब मोहल्ले के सारे दुकानदार जो है अपने दुकान बंद कर देते हैं और उसी दिन अपने फैमिली को घुमाने लेके चलते हैं, मतलब इतनी भीड़ रहती है ना, कार वार कहीं पर भी अलाउ नहीं है जाना, यहाँ इवन कि टू व्हीलर भी बहुत ही मुश्किल से जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है दसवीं को यहाँ पर कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये है एंट्री का गेट जहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है, और ये रहा पंडाल, पंडाल पे बहुत ही अच्छे से वर्क किया गया है, बनाया गया है, और जो आपको साइड साइड में ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा ना वो जो है वो रियल ग्रास है। मुझे वहाँ पे ये बात पता नहीं था, कार में मुझे मम्मी ने और हस्बैंड जी ने बताया कि वो रियल का ग्रास था, पता नहीं इन्होंने कैसे उस पर ग्रास जो है वो उगा दिया, जिसको दुभी बोलते हैं। यहाँ सब फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ स्काई का ब्लू ब्लू मतलब कि ब्लू कपड़ा है उस पर उन्होंने क्लाउड बनाया है, बादल बनाया है वाइट वाइट से, और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ हम लोग जनरली आते नहीं है, पहले आते थे बचपन में, इधर कुछ साल से नहीं आते थे। ये देखिए ग्रीन ग्रीन जो है ना वो रियल में ग्रास है, तो मैं तो नज़दीक से नहीं देखी पर मुझे मम्मी ने बताया गाड़ी में कि वो रियल में ग्रास है, ऊपर साइड नहीं नीचे नीचे साइड में जो है वो, और मूर्ति इसकी बहुत ही ज़्यादा औसम थी, यूनिक कॉन्सेप्ट था। ये देख सकते हैं ये ग्रास है, रियल में यूनिक था ये, मतलब आग की लपट में दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, और बहुत ही अच्छा मूर्ति इन्होंने बनाया था, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब अभी तक का मतलब इस बार का कटिहार का ये बहुत ही अच्छा वाला पंडाल था। अभी तक का सबसे अच्छा है ना, अभी तक का सबसे अच्छा पंडाल। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि समोसा चाट जो है मस्ट होता है घर का, तो हम लोगों ने अष्टमी में नहीं खाया था, अभी नौमी में हम लोग का डिनर यही हो गया, समोसा घर का, छोला, दही, प्याज, सॉस वगैरह देकर के मज़ा आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।